सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीए भाई पीयूसर पर जो है जी जी के जी का वन स्टॉप सेंटर तो दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए और सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों ये आपका चैनल है अपना चैनल है चैनल को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं प्रमोट कर सकते हैं करिए दोस्तों क्योंकि तो आप लोग के लिए दोस्तों दिन रात हम लोग सोते नहीं हैं और दोस्तों जो है अपनी नींद में कटौती करके दोस्तों आप लोगों के लिए करेंट अफेयर के कंटेंट तैयार करते हैं दोस्तों और उसमें कभी कभी आंख लग जाती है तो दोस्तों अचानक से उठते हैं तो पता चलता है कंटेंट नहीं तैयार है जल्दी जल्दी फिर तैयार करते हैं दोस्तों और आप लोगों के लिए ले करके हम लोग आते हैं सुबह सुबह तो फटाफट से दोस्तों इस जो है आ, क्लास को जितना शेयर कर सकते करिए और दोस्तों जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई क्योंकि ये है जीए ए जी के जी एस का वन स्टॉप सेंटर तो दोस्तों रोज़ सुबह छः बजे ये क्लास होती है और दोस्तों आपको चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो आपको इसकी हैबिट बनानी है क्योंकि कंपिटिटिव वर्ल्ड में रहना है तो दोस्तों ये करना होगा क्योंकि जीतना बन तो सीखना बंद देयर इज़ नो अर्निंग विदाउट लर्निंग और दोस्तों पेपर पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि नोट कमाना है तो नोट करना होगा तो दोस्तों जी ये भाई प्यूसर टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ भी डेली प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा ले ओके ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार वीकली करेंट अफेयर की क्लास दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को कराया हूँ और रोज़ शाम को छः बजे हो रही है आज भी शाम को छः बजे होगी पहले ये शाम को छह बजे हो रही थी दोस्तों लेकिन जो है इसे जो है एक दो दिन के लिए रोक दिया गया है क्योंकि हम लोग का वीकली वाला कंप्लीट करना बाकी है ओके ठीक है दोस्तों गेम चेंजर बैच आप लोग के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर एल में भी साबित होगा ये फिफ्टी एट लेक्चर आपको आई बी पी एस एस बी आई और ग्रामीण बैंक में तो सिलेक्शन दिलाएंगे ही दोस्तों ये एल आई ए और A में भी साठ नंबर दिलाएंगे ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया है तो दोस्तों हो हो या monthly current हो, जो से देख के जाइए अगर वीकली से देख के जाएंगे तो और अच्छी बात है ठीक है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर शो को दोस्तों एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धिस्ट दोस्तों अब 6 बजे की जगह छह बजे तो हम लोगों का अब वीकली करंट अफेयर हो रहा है और 9 बजे दोस्तों हम लोगों का कौन सा करंट अफेयर हो रहा है बेस्ट 200 हंड्रेड करेंट अफेयर नाइन पी पे बेस्ट टू हंड्रेड करेंट अफेयर हो रहा है दोस्तों ठीक है तो यहां पे सिक्स मंथ करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं ओके क्लियर है तो दोस्तों जो ये नाइन पी पे डेली हो रहा है दोस्तों शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज साझा बौद्ध विरासत पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किस शहर में स्टार्ट हुआ है तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों ये इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विथ द फोकस ऑन इंडिया सिविलाइज कनेक्शन विद द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेशन संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के रूप में दोस्तों ये हो रहा है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में आई थी झांगमिंग हेड है बीजिंग हेडक्वार्टर है दोस्तों आठ कंट्रीज इसके मेंबर हैं इंडिया दोस्तों होस्ट करने जा रहा है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टूरिस्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग को 17 18 मार्च को काशी में काशी यानी कि दोस्तों वाराणसी में दोस्तों इसका आयोजन होने जा रहा है जी की भी मीटिंग दोस्तों जो है अलग अलग लेवल पे हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रहा है बैंक पॉइंट करें सर बेस्ट टू हंड्रेड में कौन सा मंथ चल रहा है इस समय उसमें जो है दिसंबर मंथ चल रहा है ठीक है शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट अंडर इंडियाज लीडरशिप ऑफ एस सी ओ इट ब्रिंग टूगेदर सेंट्रल सेंट्रल अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन ईस्ट एशियन साउथ एशियन अरब कंट्रीज ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस बुद्धिस्ट हेरिटेज से संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज कंप्राइज़ ऑफ मेंबर स्टेट ऑब्जर्वर स्टेट एंड डायलॉग पार्टनर इंक्लूडिंग चाइना रशिया और मंगोलिया तो दोस्तों जो है आपके देखा जाए तो आ, क्या कहते हैं मेंबर स्टेट आठ हैं दोस्तों इसके अलावा ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं जैसे कि ईरान हो गया बेलारूस हो गया और दोस्तों चाइना रशिया और मंगोलिया जैसे दोस्तों डायलॉग पार्टनर्स भी हैं ठीक है क्लियर है दोस्तों अभी अमेरिका में जो है 2008 में जो मंदी आई थी वो अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के डूबने की वजह से आई थी लेमन ब्रदर्स जब डूबा था 2008 में सब प्राइम क्राइसिस इस बार दोस्तों एस बैंक डूब गया है उसका जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक तो दोस्तों फिर से वहां पे दोस्तों जो है एक बहुत बड़ा रिसेशन आने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने दोस्तों वहाँ के हेड को चेंज किया है और अब इस बैंक का नेतृत्व कौन कर रहे हैं दोस्तों तो टीम में पोलास कर रहे हैं टीम में पोलास दोस्तों जो है जो फैनी मई के पूर्व सीईओ हैं उनको सिलिकॉन वैली बैंक का नेतृत्व करने के लिए दोस्तों अपॉइंट किया गया है इस समय एस बैंक की चर्चा पूरी दुनिया में दोस्तों अमेरिका का सोलहवां सबसे बड़ा बैंक है ये थ सबसे बड़ा बैंक है ओके okay? दोस्तों महिला की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोस्तों इंडिया में हो रही है कहां पे हो रही है मेरे भाई इंडिया में हो रही है ठीक है और महिलाओं में अगर जो है बॉक्सिंग की बात की जाए तो सुपर मॉम को अनब्रेकेबल को कौन भूल सकता है यानी एमसी मैरी कॉम तो एम सी मेरी कॉम तो दोस्तों जो है है ही इसकी जो है ब्रांड अम्बेस्डर लेकिन दोस्तों जो है यहाँ पे फरहान अख्तर फरहान अख्तर जो एक्टर हैं उन्हें भी दोस्तों इसका ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है सिल्वर एक्सचेंज का दोस्तों जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है यानी ईटीएफ का फंड ऑफ फंड दोस्तों ईटीएफ किसे कहते हैं जब किस कोई फ़ंड जो है शेयर्स की तरह शेयर बाजार में जिसकी ट्रेडिंग होने लगे उसे ईटीएफ कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं ना जैसे कोई म्यूचुअल फंड है उसकी ट्रेडिंग शेयर की तरह एक्सचेंज पे होने लगे और फंड ऑफ फंड किसे कहते हैं जब आप किसी ऐसे फंड में निवेश करते हैं जो कि डायरेक्ट शेयरों में या कॉमोडिटीज में निवेश ना करके किसी फंड में निवेश करे यानी कि मदर फंड सिस्टर फंड आप समझो मैल जैसे कि आपने एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया जो कि सारे शेयर्स में निवेश करती है तो वो तो फंड कहलाएगा लेकिन आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया जो सारे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करती है यानी जो फंड में निवेश करती है वो फंड ऑफ फंड कहलाती है बात समझ में आ गई तो ये बात है यहाँ पर तो सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का फंड ऑफ फंड किसने लॉन्च किया है तो दोस्तों ये जो है कोटेक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने किया है कोटेक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने दोस्तों जो है इसे लॉन्च किया है दोस्तों किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दोस्तों महिला ग्राहकों के लिए एक नया बचत खाता ब्लॉसम महिला बचत खाता शुरू किया यानी दोस्तों अभी इंटरनेशनल वीमेन्स डे अभी हम लोग का इंटरनेशनल वीमेन्स डे था ना आठ मार्च को प्रणाम प्रणाम भैया सभी लोगों को प्रणाम तो दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी महिलाओं को डेडिकेट करते हुए विमेन कस्टमर्स के लिए दोस्तों जो है ब्लॉसम विमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है यह किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 300 करोड़ रुपए होती है ए की भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ से बढ़ा के तीन करोड़ की गई है दोस्तों ठीक है टू कंपनीज की तो दोस्तों सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई में है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ आर भास्कर बाबू हैं और दोस्तों अगर बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड रिसेंट करंट अफेयर्स की बात की जाए तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है अपना प्राइवेट क्लाउड प्लेटफॉर्म महाबैंक नक्षत्र लॉन्च किया है एच बैंक ने एक अपना पायलट प्रोजेक्ट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए लॉन्च किया है दोस्तों ऑफलाइन पे यूपीआई लाइट वाला आप समझ रहे होंगे दो सौ पेमेंट आप कर सकते हैं बिना नेट के भी और वैलेट में दो हजार मैक्सिमम रख सकते हैं दोस्तों न्यू इंडिया एश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च करी है व्हीकल्स के लिए न्यू इंडिया एसोरेंस एन आई ए सी एल दोस्तों एन आई ए सी एल जी आई सी और एल आई सी के यही तीन कंपनियां हैं जो कि डी एस आई आई है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ओके क्लियर है, okay, है? चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्वाइप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और एल ने जीवन आजाद पॉलिसी लॉन्च करी है दोस्तों जीवन आजाद ठीक है चलिए दोस्तों बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आई की महिला वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में साइन किया है यानी जो बॉक्सिंग बा, वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आपके पूछा जाएगा तो इसका टाइटल स्पॉन्सर है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कौन है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड दोस्तों अगर आई की बात करें तो इसे ए बुलाया जाता था अब इसे आई कर दिया गया पिछले साल से और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों उसी लॉजेन स्विट्जरलैंड में है जहां पे नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों वही लॉजेन है जहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है जहां पे दोस्तों फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी एफ आई एच का हेडक्वार्टर है ठीक है इन सब का हेडक्वार्टर दोस्तों वहीं पर है ठीक है यहाँ तक कि मुझे लगता है फाइड का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जिसके वाइस प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद ठीक है तो ज्यादातर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में जिसको कुछ लोग लुसाने भी पढ़ते हैं तो दोस्तों ये टूर्नामेंट 15 मार्च से स्टार्ट हो गया दोस्तों इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स नई दिल्ली में तीसरी बार दोस्तों जो है वर्ल्ड कप का की होस्टिंग इंडिया कर रहा है महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड कप की होस्टिंग कौन से बार कर रहा है थर्ड टाइम कर रहा है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड दोस्तों हर साल किस दिन दुनिया भर में लोग नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाते हैं ताकि दोस्तों हमारी दैनिक जीवन में नदियों का कितना महत्व है दोस्तों इसे जो है बताया जा सके दोस्तों नदियों का महत्व तो बहुत है जल ही जीवन है आप लोग को कभी समझ में नहीं आता होगा चौदह मार्च को ये मनाया जाता है चौदह मार्च यानी कि दोस्तों जो है फोर्टीन थ्री फोर्टीन थ्री जिसे कि हम 3.14 भी कहते हैं और 3.14 मान होता है दोस्तों 22 बटे सात का और 22 बटे सात हम लोग कहते हैं दोस्तों पाई को इसलिए से जो है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी कहा जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी कहा जाता है है ना तो दोस्तों जो है एक 22 जुलाई को भी मनाया जाता है पाई डे और एक चौदह मार्च को भी मनाया जाता है दोस्तों नदियों का महत्व कैसा है कि अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है ये उत्तराखंड यूपी बिहार और बंगाल यहीं पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी है क्यों क्योंकि यहाँ से गंगा बहती है यहाँ से यमुना बहती है भारत की सबसे बड़ी नदी भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी दोस्तों जो भी सभ्यताएं और जो है लोग बसना चाहते हैं पुराने जमाने में वो नदियों के किनारे ही बसते थे दोस्तों आप देखो तो देखो ये छोड़ दो आप हिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो हमारी पुरानी सभ्यता है पुराने शहर भी बसे हैं वो नदियों के किनारे ही बसे हैं यानी नदियों से ही दोस्तों हमारे शहर बस आज भी आप जीके में पढ़ते हो कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है है ना तो अलग अलग नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं ये आप पढ़ते हो आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है तो नदियों का बहुत महत्व है दोस्तों क्योंकि आदमी जीवन ही वहीं से शुरू करता था जहां नदी होती थी वहीं अपना घर बनाता था वहीं उसको उपजाई जमीन मिलता था वहीं उसको पीने के लिए पानी मिलता था दोस्तों इस बार की जो है दोस्तों रिवर इसीलिए जल ही जीवन कहा जाता है रिवर डे की इस बार की थीम क्या है दोस्तों राइट्स ऑफ रिवर आप नदी को मां तो कहते हैं लेकिन नदियों के अधिकार का हनन करते हैं तो नदियों का भी अधिकार होता है दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि नदियों का भी अधिकार होता है ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो ये जो कचड़ा बहाने का जो है की जगह नहीं है ये दोस्तों हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में दर्ज की गई सीपीआई इन्फ्लेशन कितनी है सीपीआई इन्फ्लेशन को ही मेन इन्फ्लेशन कहते हैं या रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं जिसको एनएसओ जारी करता है हर महीने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है जो गुड़गांव के राव इंद्र राव इंद्रजीत सिंह जिसके मिनिस्टर है दोस्तों तो सीपीआई इन्फ्लेशन फिर दोस्तों जो है 6.44 परसेंट पर पहुंच गया यानी कि दोस्तों जो आरबीआई का जो बेंचमार्क है कि दो परसेंट से 6 के बीच में रहना चाहिए इन्फ्लेशन ये दोस्तों फिर से क्रॉस कर गया फिर से दोस्तों जो है दो परसेंट से परसेंट वाले बैंड को क्रॉस कर गया है ओके चलिए वेरी गुड एन ही दोस्तों जो है आपके जीडीपी uh, की भी uh, जो है काउंटिंग uh, करता है बताइए लास्ट क्वार्टर की जीडीपी कितनी आई थी अभी मैंने कल ही पढ़ाया है तुम लोगों को बेस्ट टू हंड्रेड में या फिर वीकली में शाम को छः बजे मैं वीकली पढ़ा रहा हूँ आज भी पढ़ाऊंगा और रात को नौ बजे मैं बेस्ट टू हंड्रेड करेंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ वो भी दोस्तों आज भी पढ़ाऊंगा ठीक है क्लियर है क्योंकि आपके एल आई के एग्जामिनेशन आ गए ओके चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त पिछले महीने से थोड़ा कम हुआ है लेकिन पिछले महीने भी आरबीआई के जो टॉलरेंस लिमिट है सिक्स परसेंट उससे ऊपर ही रहा है रूरल इन्फ्लेशन सिक्स टू परसेंट और अर्बन इन्फ्लेशन सिक्स वन जीरो परसेंट रहा है कंबाइंड फूड इन्फ्लेशन जो है वो जो है फाइव पॉइंट नाइन फाइव परसेंट रहा है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए आरबीआई ने रेपो रेट को दोस्तों करीब जो है ढाई बढ़ाया है पिछले साल से लेकर के अभी तक में ढाई परसेंट बढ़ाया है ठीक है क्लियर है अप्रैल में सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट करने की उम्मीद है क्योंकि इन्फ्लेशन टॉलरेंस लेवल के फिर से ऊपर चला गया है जो का था, वो था सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट का ठीक है था कि हाँ इससे ऊपर जा सकता है दोस्तों अगर देखा जाए पिछले जो है दोस्तों जो है इन्फ्लेशन को तो दोस्तों फरवरी में जो है कि यहाँ पे देखा जाए सी पी आई बेस्ड जो है ये तो मुझे लगता है गलत है चलिए डेटा ही गलत है दोस्तों व्हाट इज द एज ऑफ लिमिट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ वेटरन आर्टिस्ट स्कीम वयोविद कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की आयु सीमा क्या रखी गई है दोस्तों वेटरन आर्टिस्ट जो कि दोस्तों जो है बुजुर्ग हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं ऐसे कलाकारों के लिए जिनके लिए पैसे कमाना आप दोस्तों जो है आसान नहीं रहता उनके लिए 60 साल से ऊपर पे असिस्टेंस वित्तीय सहायता योजना संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि दोस्तों जी किशन रेड्डी जी का मंत्रालय देता है देश के अनुभवी कलाकारों को ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त <laughs> दोस्तों केंद्रीय वित्तीय मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जम्मू कश्मीर को कितने पैसे दिए हैं बजट में तो दोस्तों जो है एक लाख अट्ठारह हजार पांच सौ करोड़ रुपए दिए हैं और दोस्तों इसी पे केजरीवाल जी गुस्सा गए कह रहे हम दिल्ली हैं हम जो है यूनियन टेरिटरी है हम भी तो यूनियन टेरेटरी हमको 1200 करोड़ दे रहे हो इनको एक लाख अट्ठारह हजार करोड़ दे रहे हो तो कश्मीर को दोस्तों इतना डेवलप कर देंगे ना कि कश्मीर वाले कहेंगे कि वाह तीन सौ सत्तर हट गया तो कितना अच्छा हो गया कितना अच्छा डेवलपमेंट हो गया ये भी तो देखो कि भैया जम्मू कश्मीर में फंड भी तो नहीं मिलता था पहले फंड मिलता भी था तो क्या होता था तीन लगा हुआ तो कुछ हो ही नहीं पाता था अब तो देश दुनिया की सारी कंपनियां जाके फैक्ट्री लगा सकती हैं वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सकती हैं पहले तो कोई भी कश्मीर के बाहर का वहां जमीन ही नहीं ले सकता था दोस्तों कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री जो है वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए तैयार है तो दोस्तों वर्ल्ड फूड इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने दोस्तों जो है होस्टिंग करा है पशुपति नाथ पारस जी दोस्तों जो है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं चिराग पासवान के चाचा हैं ठीक है क्लियर है नई दिल्ली में दोस्तों जो है इसकी मेजबानी की जा रही है ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया तो वर्ल्ड फूड जो दोस्तों जो है ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें मिलेट्स को जोर दिया जाएगा क्योंकि श्री अन्ना यानी मिलेट्स बाजरे का वर्ष है वाइट को दोस्तों जो है हब दिया जाए जो है महत्व दिया जाएगा ठीक है व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड को कहते हैं जिसके फादर हैं वर्गीस कुरियन जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ठीक है जो अमूल के फाउंडर हैं जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के फाउंडर हैं जो गुजरात मिल्क फेडरेशन के फाउंडर हैं जिन्हें 1963 में रेमन मैक्स अवॉर्ड मिला था दोस्तों ट्वेंटी तो सिक्स नवंबर को हम उनके बर्थडे पर नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया दोस्तों लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया किसने जारी किया है तो ये इसरो ने जारी किया है ये बताने के लिए कि कहा लैंडस्लाइड हो सकते हैं दोस्तों लैंडस्लाइड्स की वजह से दोस्तों जो है हमारा जोशीमठ जैसा एक धार्मिक और पौराणिक दोस्तों शहर भी दोस्तों धसते चला जा रहा है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय इस समय हमारे देश में हो रहा है दोस्तों तो दोस्तों लैंडस्लाइड स्लाइड पेरिल है और लैंडस्लाइड की वजह से होने वाला लॉस जो है उसे रिस्क कहते हैं तो हमारे देश में पेरिल का इंश्योरेंस नहीं होता है हमारे देश में रिस्क का इंश्योरेंस होता है तो लैंडस्लाइड को इंश्योर्ड नहीं किया जाएगा लैंडस्लाइड से होने वाले फिनेंशियल लॉस को जो है कोई इंश्योरेंस किया जाता है तो इंश्योरेंस का ये कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए दोस्तों वेन इज इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों ये पंद्रह मार्च को मनाया जाता है पंद्रह मार्च को दोस्तों जो है शायद उन्नीस नंबर है ना जब आप से कोई भी बदतमीजी करे कुछ भी करे तो 1915 मैंने बस भी बना के तुम लोग को बताया था कि कंज्यूमर जागो ग्राहक जागो जागृति नाम से दोस्तों इसकी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है जागृति है ना तो दोस्तों अगर आपसे मान लिया रेस्टोरेंट वाला सर्विस चार्ज ले रहा है तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हो कंज्यूमर राइट्स में दोस्तों इस बार एक बहुत बढ़िया राइट जुड़ा हुआ है वो राइट्स कौन सा जुड़ा हुआ है राइट टू रिपेयर राइट टू रिपेयर अभी अमेरिका ने भी दोस्तों ऐड किया और आपके देश ने भी ऐड किया अब तुम राइट टू रिपेयर की वेबसाइट पे जाओगे तो दोस्तों आपको सारी कंपनियों के स्पेयर पार्ट के रेट भी दिखाई देंगे तो दोस्तों होता क्या था कि पहले जैसे आ, कोई मोबाइल आपने लिया इतना महंगा और उस पर खूब वारंटी वारंटी भी दी गई बाद में जब आपने सोचा कि ये मोबाइल में डेटा बहुत अच्छा है जरूरी है मुझे इसे रखना है हमेशा के लिए आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है आप मोबाइल बनवाने जाते हो तो वो कंपनी कहती है कि अरे सर अब तो इसके ये बंद हो चुका है अब तो इसके स्पेयर पार्ट भी आने बंद हो गए ऐसे ही आपकी कोई दस साल बीस साल पुराना वॉशिंग मशीन है बिगड़ गया अब आप बनवाने जा रहे हो तो वो कह रहा है कि स्पेयर पार्ट ही आना बंद हो गया कोई वॉशिंग मशीन हो गया कोई फ्रिज हो गया कोई टीवी हो गई कोई एसी हो गया तो दोस्तों ये कोई बाइक हो गई कोई स्कूटर हो गया कोई कार का मॉडल हो गया अब ये जो कंपनियां हैं ये स्ट्रेटजी लगाती हैं कि नए प्रोडक्ट बिकेंगे कैसे अगर हम पुराने प्रोडक्ट का रिपेयर करेंगे तो तो इसलिए दोस्तों ये पुराने प्रोडक्ट्स को रिपेयर करना ही बंद कर देते हैं जिससे कि लोग नए प्रोडक्ट खरीद लें नया प्रोडक्ट क्या कर लें खरीद ले बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों इसलिए राइट टू रिपेयर आ गया कि अब तुमको रिपेयर करना ही पड़ेगा ये उपभोक्ता का अधिकार है ये उपभोक्ता का अधिकार है कि तुम उसकी चीज को रिपेयर करोगे तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि स्पेयर पार्ट आना बंद हो गया कंपनियां ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं कर सकती हैं बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों फरवरी में जो डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन है जो डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन है दोस्तों वो कितनी जो है दोस्तों बताई गई है होलसेल प्राइस इंडेक्स वाली जो इन्फ्लेशन है दोस्तों वो थ्री पॉइंट एट फाइव परसेंट बताई गई है इसके पहले दोस्तों 2.51 परसेंट थी जनवरी 2021 में जनवरी 2021 में ठीक है अगर दोस्तों फरवरी में होता तो ये दो साल के लो पे होता लेकिन ये दो साल के नहीं दो साल एक महीने के लो पे पहुंच गया है यानी 25 मंथ लो पे पहुंच गया है 25 मंथ लो पे दोस्तों इस समय का डब्ल्यू इन्फ्लेशन जो है जो है पे पहुंच गया है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त <coughs> दोस्तों किस देश ने उत्तरी सागर के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है विच कंट्री हैज इनोग्रेटेड अ प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड बीनीथ द नॉर्थ सी तो दोस्तों नॉर्थ सी के नीचे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए डेनमार्क ने दोस्तों एक प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है किसने किया है ठीक है क्लियर है वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त डेनमार्क ओके okay? चलिए बहुत बढ़िया डेनमार्क हैज इनोग्रेटेड अ प्रोजेक्ट टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड एटीन हंड्रेड मीटर बीनीथ द नॉर्थ सी बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ब्यूरी सीओ टू इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड क्या बात है भाई साहब विदेशों से आया इम्पोर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को दफना रहा है जो है जमीन के इतने नीचे समुद्र के इतने नीचे क्या बात है भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज और जर्मन रिटेलर मेट्रो एजी के भारतीय व्यवसाय के अधिग्रहण सौदे की राशि कितनी है तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री और दोस्तों जर्मन रिटेलर मेट्रो एजी का अधिग्रहण हो रहा है जो कि दोस्तों 2850 करोड़ रुपए में 2850 करोड़ रुपीज़ में ये एक्विजिशन हो रहा है ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त <laughs> दोस्तों एनएमडीसी के जो है सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी किसको दी गई है अमिताभ मुखर्जी को दी गई है अमिताभ मुखर्जी दोस्तों को एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी क्यों बोला जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये डायरेक्टर फाइनेंस हैं इस कंपनी में अब इनको दोस्तों सी की पोस्ट भी अतिरिक्त संभाला गया दिया गया है दोस्तों जो लिटरेचर में जो है के के बिरला फाउंडेशन द्वारा तीन अवॉर्ड दिए जाते हैं बिहारी सम्मान व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान उसमें से दोस्तों व्यास सम्मान जो है वो जो है लेखकों को दिया जाता है बत्तीसवां व्यास सम्मान किसे दिया गया तो दोस्तों बत्तीसवां जो व्यास सम्मान है वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है थर्टी सेकेंड व्यास सम्मान किसे दिया गया है तो दोस्तों ये जो है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड के के बिरला फाउंडेशन ने दोस्तों 1991 में दोस्तों जो है इसे शुरू किया था क्लियर है जिसमें दोस्तों जो है चार लाख रुपए दिए जाते बिहारी पुरस्कार में ढाई लाख रुपए, व्यास में चार लाख और सरस्वती सम्मान में पंद्रह लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों इनकी जो है आ, व्यंग्यात्मक नॉवेल है दोस्तों पागल पागल खाना के लिए दोस्तों इनको ये इस बार पुरस्कार दिया गया है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों कुछ रिसेंट के अवार्ड्स की बात करें तो जो आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा अवार्ड है प्रिजगर प्राइज वो डेविड चीपरफील्ड को दिया गया है पेन नोबोकोव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है बीसी बी, -सी बी, -बी -सी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मीराबाई चानू को दिया गया है अर ऑफ द ईयर अवार्ड सज्जन जिंदल को दिया गया हुआ है मार्कोनी प्राइज दोस्तों हरी बाल कृष्णन को दिया गया है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया दोस्तों व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुल पॉल्यूटेड कंट्री ऑन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स पे दोस्तों सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है तो भारत की रैंकिंग है दोस्तों आठवें नंबर पे कौन सी रैंकिंग है भारत की आठवें नंबर पे दोस्तों जो है रैंकिंग है ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो पिछले साल के दोस्तों फाइव से जो है इसकी जो है स्थिति जो है आठवें नंबर पे पहुंच गई है फाइव 2.5 लेवल जो है दोस्तों 5 टू पी एम यानी कि दोस्तों ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पॉइंट की डेंसिटी से ही पॉल्यूशन का पता चलता है कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे कम है वहाँ पे कम है ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों वो हैज लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT फोर चैट जीपीटी के नए नए वर्जन आते जा रहे हैं तो दोस्तों चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आपके एस बी आई के एग्जाम में पूछा गया था चैट जीपीटी दोस्तों यूपीएससी के एग्जाम में भी फेल हो गया और मैंने भी एक टेस्ट लिया था उसका उसमें भी वो फेल हो गया तो दोस्तों ओपन ए आई का है चैट जीपीटी तो दोस्तों इसका फोर वर्जन आ गया है ये बता रहे हैं कि पिछली खामियों को इसमें दूर कर दिया गया है ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है इसके लिए ये पैसे भी चार्ज करते हैं ट्वेंटी डॉलर पर मंथ ठीक है तो GPT 3 की तुलना में ये अधिक उन्नत है दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड तो दोस्तों आप लोग से मैं हमेशा पूछता हूँ जीपीटी का फुल फॉर्म बताइए तो आप लोग बताते भी हैं तो फटाफट बता डालिए चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आया भी था दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर कौन बन गई हैं तो दोस्तों ये जो है सुरेखा यादव बन गई हैं दोस्तों वंदे भारत ट्रेन भारत की पहली जो है दोस्तों इंजनलेस ट्रेन है पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों जो कि पूरा एकदम इंडोर है और दोस्तों जिसे इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया गया है दोस्तों सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तक इसको चलाया गया है वह दोस्तों पहली वीमेन लोको पायलट भी है दोस्तों नाइनटीन की ठीक है क्लियर है और दोस्तों 2011 दो में उन्हें एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है ओके चलिए तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट आप उन्हें कह सकते हैं दोस्तों हाल ही में एल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पदोन्नत किया गया है तो एल के एम दोस्तों चार होते हैं तो दोस्तों जो है तबलेस पांडे को जो है दोस्तों जो है मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा एल में दोस्तों जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं तबलेस पांडे बने हैं बीसी पटनायक की जगह बने हैं अब बीसी पटनायक जो है दोस्तों वो जो है नहीं है एमडी, ठीक है एमडी अब तबलेश पांडे है। दोस्तों, हैं, MD हैं। MD है, दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती चेयरमैन बन गए हैं जबकि ये एमडी हैं एमडी हैं दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती लेकिन इंटरिम चेयरमैन इनको बनाया गया है एम आर कुमार की जगह पे अभी तक एज एल के जो है चेयरमैन एम आर कुमार जी थे इनकी जगह पे अल्पकालीन सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया जब तक मेर कोई चून नहीं लिया जाता है ठीक है अब सवाल ये उठता है कि चार एम हैं तो कौन कौन से एम चले गए हैं तो दोस्तों बी पटनायक थे ठीक है राजकुमार थे आईपे मिनी थे और दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती थे तो ये दोनों लोग दोस्तों विदाई ले चुके हैं तो इन दोनों लोगों की जगह अब कौन आया है तो तबलेष पांडे जो है बीसी पटनायक की जगह पे आ गए हैं और दोस्तों जो है दूसरे कौन है दूसरे यहीं पे कहीं लिखा होगा दोस्तों एम जगन्नाथ एम जगन्नाथ जो है दोस्तों ये किसकी जगह पे आए हैं राजकुमार जी की जगह पे एम जगन्नाथ जी दोस्तों आ गए हैं ओके क्लियर है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है तो राजकुमार जी नहीं हैं अब एम के लिस्ट में ठीक है आई पे मिनी है सिद्धार्थ मोहंती एम भी हैं और चेयरमैन के एडिशनल प्रभार में है ठीक है तो ये याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे ये गलती आप लोग कर सकते हैं कर भी रहे हैं तो ये बात याद रखेंगे ओके चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों भारत में सी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव के एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है दोस्तों चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव के Ambassador के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है श्रेया गोदावत को अपॉइंट किया गया है। श्रेया गोदावत एम्बेसडर बन गई हैं दोस्तों सी क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव की ओके चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों इस संगठन ने इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी 8 मार्च को एम्ब्रेस इक्विटी नामक एक विशेष पहल भी शुरू की थी अगर दोस्तों हम लोग रिसेंट के ब्रांड एम्बेसिडर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर सेवलॉन के हैंड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर बने चाइल्ड राइट के लिए सचिन तेंदुलकर के वांखड़े स्टेडियम में स्टेच्यू भी लग रहा है यस्तिका भाटिया रेणुका सिंह ठाकुर हिंडाई मोटर की दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमी हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया के रणबीर सिंह पेप्सी के निकहत जरीन एन के दोस्तों स्मृति मंदाना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की और सौरभ गांगुली दोस्तों जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन यानी बंधन बैंक के ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया नीरज चोपड़ा दोस्तों स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं ओके दोस्तों किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आई का स्टेटस दिया है आर ने दिया है दोस्तों इरडा को आर ने इरिडा को दोस्तों आई का स्टेटस दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दोस्तों जो है स्टेटस दिया है इससे इस पहले इट वॉज अर्लियर नोन एज एन आई सी सी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी ठीक है इरेडा दोस्तों 1987 में आई थी ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी के तहत काम करती है दोस्तों अभी जो है नाइन्टी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है दुनिया का फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ये दोस्तों अभी दिया गया इसमें जो है दोस्तों जो है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया है क्योंकि दोस्तों जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि नाटू नाटू को मिला एलिफेंट विस्पर को मिला तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहता होगा कि भाई क्या आपको और भी चीजें याद हैं जैसे आपको क्या ये याद है कि ये कहाँ पर दिया गया क्या ये आपको याद है कि नाइनटी फिफ्थ एडिशन है क्या आपने केवल उन्हीं दोनों न्यूज को पढ़ा या आपको ये भी याद है कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला एवरी थिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ठीक है ये मूवी है दोस्तों जिसको यह अवार्ड दिया गया ठीक है क्लियर है दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया कम से कम किसी भी फिल्म अवार्ड में आपको बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म बेस्ट फिल्म तो याद रहने ही चाहिए तो दोस्तों जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो मिशेल योह को मिला है ठीक है तो मिशेल योह जो है यहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस जो है का अवार्ड जीत लिया है दोस्तों ठीक है दोस्तों अगर मैंने कहा कि कुछ कैटेगरीज आपको याद रखनी चाहिए जैसे बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेसर को मिला है वेल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिसेल योग को मिला है दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड डेनियल क्वेन और डेनियल सेनाट को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी दोस्तों जो है एवरीथिंग एवरी ईयर ऑल एट वंस के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू ट्रिपल आर को मिला है जिसको रिसीव किया था लिरिसिस्ट चंद्रशेखर बोस और म्यूजिक डायरेक्टर एम एम किरवनी ने गान हाँ अवार्ड नहीं लेने वालों में दो सिंगर हैं आ, वो अवार्ड लेने नहीं जाते हैं किसी भी पहले भी अगर जय हो में देखा जाए जय हो वाले गाने में तो ए आर रहमान और गुलजार ही जी गए थे सिंगर नहीं गए थे तो सिंगर हैं दोस्तों इस गाने के तेलुगु का ये गाना है तेलुगु में और इस गाने को दोस्तों जो है गाया है राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव ने दोस्तों इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट्री डौ, शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है इंडिया की शॉर्ट फिल्म ने जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर द एलिफेंट विस्परर तो दोस्तों आइए ताबड़तोड़ तरीके से कल का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों बेगर फ्री सिटी जो है दोस्तों ये नागपुर में बनाई जा रही है सारे बेगर्स को दोस्तों जो है शिफ्ट किया जा रहा है मेथनॉल से चलने वाली बस दोस्तों बेंगलोर में ओपन की गई है अशोक लेलैंड के द्वारा बनाई गई दोस्तों जिसमें नीति आयोग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का भी दोस्तों इन चारों कंपनियों का योगदान है दोस्तों दिल्ली में अभी जो है दोस्तों जी ट्वेंटी का फ्लावर फेस्टिवल हुआ था जहां पे फ्लावर चुराते हुए एक अमीर आदमी पकड़ाया था तो दोस्तों बड़ा छीछा लेदर उसका हुआ था कनाट प्लेस में जी ट्वेंटी के अलग अलग लेवल की मीटिंग यहाँ पे हो रही है इंडिया में और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की दोस्तों ला पेरोस जो है ये एक्सरसाइज हिंद महासागर में हो रहा है इंडियन ओशियन में हो रहा है लेकिन दोस्तों जो है इसको जो होस्ट करने वाली देश है वो है फ्रांस तो फ्रेंच नेवी दोस्तों लापरोस में नाम ही दोस्तों पेरिस का आ रहा है तो पेरिस फ्रांस की कैपिटल है तो ये बात हमें याद रखना होगा ठीक है क्लियर है चलिए तो दोस्तों जो है मेट्रो पार्किंग के लिए आरबीआई की सीबीडीसी का यूज करने वाली पहली मेट्रो भारत की जो है कोची मेट्रो बन गई है केरल मेट्रो बन गई है दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसके लिए वैलेट प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन पार्टनर है दोस्तों अनंतम नामक जो है फिनटेक कंपनी इसमें जो है दोस्तों पार्टनर भी है ठीक है क्लियर है किस बैंक का सीबीडीसी वैलेट यूज किया जाएगा तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का यूज किया जाएगा ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलायंस रिटेल ने सीबीडीसी को सबसे पहले यूज किया दोस्तों इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है दोस्तों ये कहां पर स्थित है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों रेशम के कीड़ों का बीमा यानी इंश्योरेंस करने वाली योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया कौन बन गया है उत्तराखंड रेशम कीट बीमा स्कीम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों ठीक है जो रेशम के कीड़े होते हैं सिल्क के कीड़े होते हैं दोस्तों जिनसे जो है रेशम जो रेशम बनाते हैं मैंने अपने एक शॉर्ट में उन कीड़ों को दिखलाया भी था दोस्तों एक शॉर्ट में जब मैं जीआई महोत्सव में गया था तो दोस्तों जो है यहाँ पर देखा जाए तो केवल महिला एम्प्लॉयी दोस्तों किस फैक्ट्री में है कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो इंजन प्रोड्यूस कर रही है केवल महिला एम्प्लॉय वहाँ होंगी तो ऐसा अशोक लेलैंड कंपनी कर रही है अशोक लेलैंड कंपनी आजकल बहुत चर्चा में है दोस्तों इसी कंपनी हिंदुजा ग्रुप की है इसी कंपनी की इंडस इंड बैंक भी है दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया ये कहां पे है यह कर्नाटक में ये दोस्तों जो है 1507 मीटर की है किलोमीटर नहीं 1507 मीटर पंद्रह सौ मीटर मुझे लगता है पांच किलोमीटर के लमसम ये आता होगा 20 करोड़ रुपए की है दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों है क्योंकि ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है सो श्री सिद्धरो स्वामी जी स्टेशन भी उस स्टेशन का नाम रखा गया था तो भी ये न्यूज में बना था ठीक है तो हुबली कर्नाटक में ही दोस्तों अगर बात हो जाए तो यहीं पर दोस्तों रेलवे म्यूजियम भी है दोस्तों संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इंडिया में हो रही है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स की इसकी मीटिंग कहां पर हुई है तो दिल्ली में हुई है जिसमें कि देश के चीफ जस्टिस भी दोस्तों जिन्होंने हिस्सा लिया दिल्ली में ओके क्लियर है डी वाई चंद्रचूड़ जो हमारे देश के फिफ्टींथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी दोस्तों आयुष मंत्रालय ने किस शहर में योगा महोत्सव का आयोजन किया है तो दोस्तों नई दिल्ली में योगा महोत्सव का आयोजन किया है सौ दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है नाइन्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ट्वेंटी फर्स्ट जून को मनाया जाएगा दोस्तों तेरह चौदह तारीख को यह तालकटोरा स्टेडियम में किया गया और पंद्रह तारीख को इसका आयोजन मुरार देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली में किया गया तो एक क्वेश्चन स्टेटिक जीके का यहाँ से यह भी बनता है कि मुराज देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ पर है तो दि दिल्ली में है दोस्तों जी ट्वेंटी के पार्ट के रूप में साई ट्वेंटी जो है दोस्तों जो कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की जो है मीटिंग है दोस्तों वो कहाँ पर हुई तो ये दोस्तों जो है गुवाहाटी में हुई है ठीक है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की मीटिंग जो है कहाँ पर हुई है गुवाहाटी में हुई है थीम क्या है इसकी ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबरदस्त दोस्तों कर्नाटक के मांड्या जिले में 118 मीटर लंबे बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है दोस्तों कर्नाटक के मांड्या में अभी अगर आपको याद हो तो किसी खनिज पदार्थ का भंडार मिला था या आपको बताना है कि कर्नाटक के मांड्या में किस चीज का भंडार मिला था रिजर्व मिला था ठीक है बेंगलुरु मैसूर दोस्तों दोनों कर्नाटक में है यहाँ पे अभी एक वंदे भारत ट्रेन भी चलाई गई है जो मैसूर से बेंगलुरु से होते हुए चेन्नई तक जा रही है मैसूर में सलाम आरती को दोस्तों जो है नमस्कार आरती में बदल दिया गया है है ना तो ये बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का भी उद्घाटन किया गया है जिसके हेड है क्रिस गोपाल कृष्णन दोस्तों अभी किस बैंक ने दोस्तों जो है ई एन डब्ल्यू आर के तहत फाइनेंस की सुविधा देने के लिए सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ टाइप किया है तो दोस्तों ये पीएनबी के साथ किया है अब क्या होगा दोस्तों जितने भी फार्मर्स हैं फूड प्रोसेसर्स हैं या ट्रेडर्स हैं जो कि दोस्तों मंडियों में वेयरहाउस में अपने अनाज रखते हैं उस अनाज के रिसिप्ट के बदले दोस्तों उनको लोन मिल जाएगा यानी कि उसको प्लेज कर सकते हैं उसको गिरवी रख करके लोन ले सकते हैं पीएनबी से पंजाब नेशनल बैंक से जो भारत का पहला इंडियन द्वारा शुरू किया गया बैंक है जिसके मालिक इंडियन थे लाला लाजपत राय 1894 में लाहौर में इसकी शुरुआत हुई अब दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है पीएनबी के हेड जो हैं दोस्तों वही आईबीए के भी हेड है आप बताइए पीएनबी के हेड कौन है दोस्तों अब जो है दोस्तों जो है IDFC म्यूचुअल फंड को बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाएगा क्योंकि तो बंधन म्यूचुअल फंड ने IDFC म्यूचुअल फंड को एक्वायर कर लिया है तो दोस्तों IDFC म्यूचुअल फंड को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया गया है ठीक है तो अतुल कुमार गोयल बिल्कुल सही जवाब है पतिराम गजब पतिराम वाह पतिराम वाह पी का जो है जो है दिल्ली हेडक्वार्टर अतुल कुमार गोयल हेड है वेरी गुड बहुत बढ़िया तो दोस्तों जो है ये बात याद रखिएगा ओके दोस्तों भारत में सिटी कॉमर्शियल बैंक के व्यवसाय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ सिटी कॉमर्शियल बैंक बिजनेस इन इंडिया तो दोस्तों जो है भानु वोहरा को इसके जो है कॉमर्शियल बिजनेस के हेड के रूप में चुना गया इसका रिटेल बिजनेस दोस्तों वो तो एक्सिस बैंक ने खरीद लिया ग्यारह करोड़ रुपए में ठीक है भानु वोहरा दोस्तों एल के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इंटरम चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है तो सिद्धार्थ मोहंती को इंटरीम चेयरमैन के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया है ठीक है क्लियर है और एम के रूप में दो नए लोग आ गए हैं दोस्तों कौन कौन नए लोग आ गए हैं एक तबलेस हैं और एक दूसरे कौन है जगन्नाथ दोस्तों प्रित्सगर प्राइज जो आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा प्राइज है वो किसे दिया गया है वो डेविड चीपरफील्ड को दिया गया है हमारे यहां बालकृष्ण दोषी जी को मिल चुका है उन्हें यूके का रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला इस साल पद्म विभूषण भी मिला उनका 95 फाइव ईयर की एज में उनकी डेथ भी हो गई ठीक है दोस्तों योगा महोत्सव का महत्व क्या है कि दोस्तों हंड्रेड डे का काउंटडाउन शुरू हुआ है इंटरनेशनल योगा डे का इंटरनेशनल योगा डे तेरह चौदह मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में हुआ दोस्तों अभी दोस्तों पिछले वीक जो है ऋषिकेश में भी हुआ था अभी पंद्रह तारीख को दोस्तों देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा नई दिल्ली में भी हुआ है एम डी एन आई वाई यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ है नई दिल्ली में है तो ये दोस्तों जो है सौ दिन इक्कीस जून के पहले ही से शुरू कर दिया गया है योगा जो है डे दोस्तों जो है आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जिसके मिनिस्टर है सर्वानंद सोनेवाल जी तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से आज हम लोग ने दोस्तों करेंट अफेयर्स को किया और उसका दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन भी किया तो आज मैं कंटेंट बनाते बनाते ना मेरी आंख लग गई और मैं सो गया मैं अचानक से उठा तो देखा कंटेंट ही नहीं तैयार है फिर जल्दी जल्दी मैंने कंटेंट तैयार किए जल्दी जल्दी जो है उसी में आज मेरी क्लास भी लेट में स्टार्ट हुई है मैं तुम लोग से पांच पांच मिनट मांगता रहा और कंटेंट मैंने कहा यार पहले कंप्लीट तो कर ले सम्मानजनक तो हो जाए कम से कम आज का तो दोस्तों जो है इसी तरीके से कभी कभी हम लोगों की आंख लग जाती है सोचो ऐसे रातों की नींद खराब करके आपके लिए करंट अफेयर तैयार करते हैं कि सुबह सबसे तेज सबसे पहले सबसे ज्यादा करंट अफेयर आपको दे सके तो दोस्तों इस मेहनत को इस जो है दोस्तों जो है आपके एग्जामिनेशन में आपको सफलता दिलाने के लिए हम लोग भी दिन रात एक करते हैं अपने दिन रात चैन जो है दोस्तों खो देते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो पहुंचाइए शेयर करके लाइक करके कमेंट करके जिससे भी सजेशन में पहुंचे ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो ठीक है चलिए ओके okay? थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद तो सब लोग ऑफलाइन कमेंट भी जरूर से किया कीजिए ओके okay? चलिए थैंक यू बाय टेक केयर खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए हैव अ नाइस डे आपका दिन शुभ और मंगलमय में हो बबाई टेक